हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और मैं यहाँ पे पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली सिर्फ पूरियाँ नहीं है, आलू का सब्ज़ी बनाया मैंने। और पूरी, हम लोग बोलते हैं आलू पूरी, और ये ट्रैवल में साथ दिया जाता है, अच्छा माना जाता है। तो मम्मी पापा आज वापस मेरठ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो उनको साथ ले जाने के लिए मैं आलू पूरी बना रही हूँ। बड़ी मम खाने दे। और पापा मम्मी को छोड़कर आने के बाद हम लोग घर वापस पहुँचे हैं। कपड़े मैंने धोने पे लगाए थे और सुखाए नहीं थे, तो अभी घर आकर सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ कि जो कपड़े हैं इनको सूखने पे डाल दूँगी। उसके बाद जो शाम का काम है वो सब शुरू करते हैं।
और यहाँ जो खुशी है उसको अपना पियानो अब याद आ गया है। 3-4 दिन तो बड़ी मॉम के साथ कहाँ बीत गए, उनको कुछ खबर ही नहीं पड़ा। अभी सब लोग बोर फील कर रहे थे तो कैसे कैसे खुद को ऑक्यूपाई रखने के तरीके ढूंढ रहे थे, तो ये खुशी का तरीका है। वो अपना पियानो उठा के लाई है, स्टैंड उससे नहीं लगता है। स्टैंड में ना एक क्या बोलेंगे, एक हुक जैसा है जो फिक्स करना पड़ता है, तो ये स्टैंड बन सकता है, स्टैंड हो सकता है, तो ये शर्मा जी कर देते हैं। बाकी वो अपना पियानो पैक करना एंड ऑल खुद कर लेते हैं। एक्चुअली ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बार बार पैक करके रखना और उठाना इस काम के लिए नहीं होती, इट्स जस्ट नॉट फीजिबल। पर मेरे पास ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ मैं इसको रख सकूँ परमानेंटली। ये जो एक जगह है जहाँ पर अभी खुशी इसको रख रही है, यहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है। मैं इसको अगर यहाँ ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो फिर सफाई करने में दिक्कत होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो थोड़ा सा ना आप समझ सकते हो, ज़्यादा सामान रहे तो फिर सफाई नहीं होती ठीक से। इसलिए जब वो प्रैक्टिस करती है तो वो खुला रहता है, नहीं करती है तो रख दिया जाता है। और अभी तो बहुत दिनों बाद उसने अपना पियानो उठाया है, कुछ तो पहले उसके एग्ज़ाम्स थे उस चक्कर में उसने नहीं किया कभी भी प्रैक्टिस, और फिर बड़ी मॉम आ गई थी तो फिर उनको वैसे भी टाइम नहीं मिला। शर्मा जी और मैं अपनी चाय पी रहे हैं और यहाँ पे सानवी खुशी को लगा दिया मैंने उनका रूम ठीक करने। यूजुअली मैं ही ठीक कर देती हूँ, बट दोनों अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आई थॉट कि धीरे धीरे उनको चीज़ें समझानी तो पड़ेंगी ही ना, तो फिर मैंने उनको बोला कि अपना बेड ठीक कर दो, चाहे जैसा भी लगाएं जो भी करें, अपना एग्जीक्यूशन, अपना डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो होंगे ना उनके, और ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चे सीख जाते हैं। पहले ही अटेम्प्ट से कोई भी एकदम ही परफेक्शनिस्ट नहीं होता ना, हिट एंड ट्रायल्स के बाद ही चीज़ें आती हैं। और बच्चों को एक सही उम्र में हर चीज़ का एक्सपोजर देना, हर चीज़ एग्जीक्यूट करने में उनको खुद से डिसीजन लेना का हम लोग को आई फील आदत डालना चाहिए। और हम लोग मम्मी पापा को छोड़कर आए हैं, उसके बाद से मैंने एक दो काम किया और हम लोगों ने पिया चाय, इतना मिस कर रहे थे हम लोग शाम में। और चाय पीते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कल तक शाम में हम चारों ही बैठ के चाय पीते थे, आज हम दो ही हैं, इट्स ओके। और डिनर मैं बनाऊंगी, एक्चुअली कुछ भी नहीं आई टेल यू। मम्मी पापा के लिए मैंने रस्ते के लिए आलू पूरी बनाया था, तो आलू रखा हुआ है, पूरी मैंने और नहीं बनाया क्योंकि हम लोग पूरी नहीं खाएंगे, वो आलू रखे हुए हैं। दोपहर में मम्मी ने मूंग का दाल बनाया था तो वो दाल भी थोड़ा रखा हुआ है, मैं दाल को ही थोड़ा सा और टमाटर प्याज डाल के ना उसको वापस से एक बार छौंक लूँगी, और इसके साथ कुछ एक रोटी वगैरह, और यही हो जाएगा हमारा डिनर। पता है दाल होती है ना, दाल अगर आपके पास बच जाए ना, उसके बहुत ही सारे यूजेस होते हैं। आप उसको पराठा कर सकते हो, वापस छौंक के खा सकते हैं, अगर अरहर वगैरह का दाल है तो उसको सांभर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दाल बच जाता है तो कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे, क्योंकि 100% उसका कुछ ना कुछ अच्छा इस्तेमाल, अगर लंच का बच गया है तो डिनर में, डिनर का बच गया है तो ब्रेकफास्ट में कर लेती हूँ मैं। डिनर में अगर दाल बच जाता है तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली मैं उसके पराठे कर लेती हूँ, थोड़ा प्याज धनिया मिर्ची वगैरह मिला के, और अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। आई टेल यू बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि कुछ लेफ्ट ओवर इसके अंदर मिला दिया है। तो मूंग का दाल रखा हुआ है और आलू की सूखी सब्ज़ी रखी हुई है, तो डिनर का काम तो हो गया, थोड़ी रोटी मैं इसके साथ कर लूँगी। हाँ बस मुझे दाल थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि फिर एकदम एज इट इज़ नहीं खा सकते, वो फिर अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो किचन में आप अगर देख सकते हो तो इट इज़ सो मेसी, मैं यहाँ पे पूरी भाजी कर ही रही थी, इतने में मम्मी पापा का जो वो लोग ट्रेन से गए हैं और 6 समथिंग का उनका ट्रेन था, तो प्लेटफॉर्म पे भी टाइम पे पहुंचना पड़ता है ना, तो पहले प्रोग्राम नहीं था कि हम सब जाएंगे। यूजुअली बच्चे और मैं घर पे ही रहते हैं, शर्मा जी मम्मी पापा को लेकर जाते हैं, बट देन पता नहीं क्यों मन हुआ कि हम भी जाएंगे, मेरा मन हुआ कि मैं भी जाना चाहती हूँ, फिर बच्चों को तैयार होने बोला, मैं तैयार हुई, तो मैंने किचन वगैरह साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था, ये अभी तक ऐसे ही मेस्ड अप है। नाउ आई एम थिंकिंग कि इसको साफ़ करने से पहले मैं एक बार कुकिंग से डन ही हो जाती हूँ, फिर सारा का सारा एक साथ साफ़ कर ही लेंगे। तो फटाफट से मैं दाल छौंक लेती हूँ।
और मैं बस यहाँ पे दाल तैयार कर रही हूँ। कोई खास ये रेसिपी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टिप है कि अगर दाल बच जाए ना तो आप उसको इस तरह से फ्राई कीजिएगा। शायद आप लोग करते भी होंगे, बट ये एक तरीका है जिससे दाल है ना दूसरे टाइम और भी ज़्यादा बेहतर लगती है खाने में। कढ़ाई में ऑयल लीजिए थोड़ा सा और उसमें डायरेक्टली प्याज डाल दीजिए, कुछ नहीं डालना है, प्याज डाल दीजिए और उसको ज़्यादा नहीं भूनना है। 50% डन हो जाने के बाद डाल दीजिए उसमें आपके टमाटर और थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक और बिल्कुल थोड़ी लाल मिर्ची, सिर्फ इतनी चीज़ें। और टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक इसको पका लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए आपका दाल और फिर एडजस्ट कर लीजिए नमक पानी वगैरह। सिर्फ इतना ही करने से ना आपकी दाल बहुत टेस्टी हो जाती है। जैसा आपने इसको ताज़ा बना के खाया होगा ना, उससे भी 10-15% आई वुड से अच्छा ही हो जाता है, बेटर हो जाता है इसका टेस्ट। तो दिस इज़ हाउ आई डू माई दाल एवरी टाइम, अगर मुझे अगले टाइम दाल को दाल के ही फॉर्म में खाना है तो। और मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप तो पूरी बना रहे थे, क्योंकि मैंने मम्मी पापा के लिए पूरी बनाई थी ना, तो उनको यही था कि वो लोग को भी पूरी ही मैं बना के दूंगी। बट मेरा प्लान था कि मैं रोटी कर लूँगी, बट देन दे वॉन्टेड पूरी दोनों के दोनों। फिर शर्मा जी ने भी कहा कि वो लोग को पूरी चाहिए, तो फिर क्या अलग अलग रोटी पूरी करना, तो मैं अब सबके लिए ही पूरी बना रही हूँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों से हम लोग बहुत बिज़ी थे। मैं देखती थी बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी हैं, कंग्रेचुलेशंस किया है, ऑल्सो बेस्ट विशेस दिए हैं टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हम लोग थोड़ा सा बिज़ी थे, कमेंट मैं, मम्मी पापा, शर्मा जी सभी लोग पढ़ रहे थे, बट मैं हर किसी को जाके रिप्लाई नहीं कर सकती। बहुत सारे कमेंट्स तो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के भी थे वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, मम्मी भी पढ़ती हैं, पापा भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी कमेंट किया है, तो जस्ट बिकॉज़ मैं पर्सनली हर एक कमेंट के नीचे रिप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं ऐसे वीडियो में आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ फॉर ऑल ऑफ़ योर बेस्ट विशेज़ एंड लव। और मम्मी पापा गए तो हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ही वापस आएंगे, कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, कुछ एक ज़रूरी काम है जो उनको करना है, तो जल्दी ही वापस आएंगे। उसके बाद फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, जो भी मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें फिर आप अभी आप मतलब आगे देखोगे भी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे के ब्लॉग्स आई होप बहुत इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए। और बस इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर, आज का वीडियो छोटा सा है, कोई रेसिपी भी नहीं है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। दोपहर में मम्मा ने बनाई थी दाल, लंच ही उन्होंने बनाया था, दाल भी और रोटी भी, और बिकॉज़ आई वॉज थोड़ा सा बिज़ी। और उसके बाद फिर शाम में, क्योंकि उनको जाना था, तो मैंने आलू पूरी कर दिया था और वही आलू वही दाल बचा हुआ था, तो वही डिनर में लग गया। तो ऐसा सच मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाया। कल की वीडियो में पक्का कोई अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और आपको सच बताऊँ, पहले तो मैं सोच रही थी कि छोटा सा वीडियो ये नहीं डालना चाहिए, मैं कल भी जब भी काम करूँगी तो सारा क्लब करके एक अच्छा बड़ा वीडियो दे दूँगी, बट देन आप यू गॉट टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। जिस दिन भी व्लॉग नहीं जाता, मुझे इतने सारे मेल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि दी आज क्यों नहीं व्लॉग आया, वी वर मिसिंग यू। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने व्लॉग डाल दिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, संभाल लेना यार आज। अब मैं कल मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक फुल फ्लेज्ड व्लॉग के साथ, दैट वुड हैव सम रेसिपीज टू। और तब तक के लिए आप सभी रखेंगे आपका ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।